हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए, जिसके भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, आपकी बात नहीं हो रही है उनसे। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है ये, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये रीडिंग नहीं की जो नो कॉन्टैक्ट में है। कि क्या आपके पर्सन आपसे दूर होके खुश हैं? वो क्या फील कर रहे हैं आपसे दूर होके जाके? उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है, क्या सोच रहे हैं? ये मैं रीडिंग आज आपके लिए करने वाली हूँ। यहाँ पे ये है पाइल वन के लिए, मैंने ये ब्रेसलेट रखा है। अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो अपने लिए। जस्ट सेकेंड, मैं लाइट ऑन कर दूँ। एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई ऑन नहीं हो रहा है। पाइल वन वालों के लिए ये है ब्रेसलेट, आप चूज कर सकते हैं। पाइल टू के लिए ये है ब्रेसलेट, आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो ये ग्रीन वेंचुरिन आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये पाइल थ्री के लिए है ये चार्म ब्रेसलेट, अगर आपको ये ब्रेसलेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो अपने लिए। चलिए, अब मैं आज रीडिंग करती हूँ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, कि वो आपसे दूर होके क्या महसूस करते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में है। जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको आज मेरी इस रीडिंग में एक्यूरेट आंसर मिल सके। कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपसे दूर जाके वो क्या महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में। शायद इसी वजह से ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे चले गए, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उन्होंने आपसे बात नहीं की है। ये इश्यूज दिख रहा है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में वो रेडी नहीं थे, कोई ऐसे पर्सन ज़रूर थे। थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों की रिलेशनशिप में ज़रूर था, इसीलिए उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला है। ऑन ऑफ करते रहे, आपकी लाइफ में आते रहे जाते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने फुल कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट आपको नहीं दिया, क्योंकि वो कहीं और भी इन्वॉल्व थे। कभी आपके पास आते थे और फिर लौट जाते थे, फिर कुछ दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा ही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, कि ये सब कुछ आप लोगों के केस में हो रहा है और आपके पार्टनर शायद अभी भी यही सब कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपसे दूर जाके क्या करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हैं आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं वो। अभी वो आपसे दूर जाके उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, काफ़ी चेंजेस, बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, वो उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि टूटी तो हैं आप दोनों के बीच में, या भरोसा तोड़ा है उन्होंने आपका, बार बार आपको छोड़ के वो चले गए हैं। लेकिन जहाँ पे भी हैं अभी, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड है, यस, वो आपको मिस करते हैं। आपसे दूर जाके उनको एहसास भी हुआ है कि आप उनके ट्रू लवर हो, या वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपके अलावा किसी और से वैसी बॉन्डिंग उनको फील नहीं होती जो आपके साथ उनको होती थी। तो ऐसा आप है आपके पार्टनर का सोचना। खुश रहते हैं जब भी आपको याद करते हैं तो उनको याद आता है कि वो कितना खुश रहते थे आपके साथ, उनको वो पल भी याद आ रहे हैं। और डेफिनेटली वो आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। उनको एहसास हुआ है अपनी गलतियों का, कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और आप ही से उनको प्यार है। लेकिन पहले उनको शायद नहीं समझ में आता था कि वो आपसे प्यार करते हैं भी या नहीं, उनको नहीं समझ में आती थी ये सब चीज़ें।
यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, इसी वजह से वो कंफ्यूज थे दो चीज़ों के बीच में, कभी आपके तरफ आना कभी दूसरे के तरफ जाना, वो दोनों तरफ से ही ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, उसमें उनको एहसास हो रहा है अपने पास्ट में की गई गलतियों का भी, और आप उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हो इस चीज़ का भी उनको एहसास हो रहा है। वो यूनियन की तरफ आ भी रहे हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली वो सोच रहे हैं आपके पास दोबारा आने का, क्योंकि जिसके लिए वो गए थे वो भी कनेक्शन वहाँ पे मुझे टूटा हुआ लग रहा है। हो सकता है वहाँ पे उनका ब्रेकअप हो चुका है। जिस भी पर्सन के लिए वो आपके लिए गए थे, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे दिख रहा है ब्रेकअप का इश्यूज दिख रहे हैं। तो इसी वजह से ही वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वहाँ से धोखा मिला है उनको और अब वो बदल रहे हैं, अब वो दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाले हैं। करेज जुटाने की अभी उनमें और हिम्मत जुटानी पड़ेगी उनको, क्योंकि करेज में आना पड़ेगा, स्ट्रेंथ उनमें अभी उतनी नहीं है, इसलिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आके दोबारा से आपकी बात आपसे बात करें। और मैं ओशो जैन कार्ड से भी देख लेती हूँ आपके पर्सन जो हैं क्या इस वक्त सोच रहे हैं, आपसे दूर जाके उनको क्या महसूस हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आई है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, समझदारी आई है। जो पहले से उनका बिहेवियर था झूठ बोलना, चीटिंग करना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहना, कमिटमेंट नहीं देना, अब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इस तरह से लाइफ नहीं चलती, इस तरह से ज़िंदगी नहीं चली जा सकती, इस तरह से कोई भी रिलेशन नहीं चला जा सकता। तो ये उनको समझदारी आई है। अभी और भी कार्ड देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, इस वक्त वो फ्लो के साथ ही रहना चाहते हैं, डेफिनेटली वो मुझे आगे दिख भी रहे हैं। वो अभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन शायद अभी भी थोड़ी सी टफ बनी हुई है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि वो आपके पास आए, ये तो उन्होंने सोच लिया है लेकिन कैसे आए ये अभी उनको नहीं पता, अभी उनको वक्त चाहिए और समझने का। वो फ्लो के साथ आएंगे ज़रूर। टू कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहे हैं मुझे, एंजल्स भी दिख रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रही है। वो उदास हैं आपके बिना, तकलीफ़ हो रही है उनको इस जुदाई से, जो भी नो कांटेक्ट में है, लेकिन अभी गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सही वक्त का आपको भी इंतज़ार करना चाहिए। चीज़ें पहले से बेहतर होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं अगर हमारे रिलेशन को एंजेलिक प्रोटेक्शन है, एंजल गाइडेंस दे रहे हैं हमको, आपके पर्सन को भी उनको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको कहीं से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके गार्जियन एंजल भी मैं देख रही हूँ, आर्क एंजल भी मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट मिल रहा है। शायद आप उनसे प्रे कर रहे हो तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग पाइल वन वालों के लिए कि जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर जाके क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये कार्ड्स मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, पाइल वन वालों के लिए। आपको अगर लाइक रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं पाइल टू वालों के लिए चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, आई मीन पाइल टू के लिए रीडिंग कर लेती हूँ जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था। चलिए देख लेती हूँ इस वक्त। एक्चुअली जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं खोई होती हूँ अपनी ही दुनिया में, कभी कभी मुझे पता ही नहीं रहता मैंने बोल क्या दिया है। चलिए पाइल टू के लिए अब मैं कार्ड निकालती हूँ, ठीक है, प्रे कर लीजिए जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग से पहले, क्योंकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आपके जो भी गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, आपके गार्जियन एंजल हैं, उन मेरे थ्रू आपको उनके मैसेज मिल सकें, आप प्रे कर लीजिए। देख लेती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं आपसे दूर जाके नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो आपसे दूर जाके खुश हैं, क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, हम मैसेज देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप,
यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक फीमेल है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। ये आप हो सकती हैं, ये कोई हीलर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शायद रिस्क लेने के लिए भी तैयार होना चाहते हैं, या उनको पता है कि आपको अगर अपनी लाइफ में पाना है तो उनको काफ़ी रिस्क लेने पड़ेंगे, ऐसा उनके पार्टनर को सोचना है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, देख रहे हैं काफ़ी लोगों का। ये भी मैं देख रही हूँ कि एज डिफरेंस है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी एज में कम है। दो पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे, तीन लोग देख रहे हैं, एक तो कपल है सेम एज का और एक तीसरा पर्सन भी है आप दोनों के बीच में जो कम एज में है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो फिर वो आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो, आपके पार्टनर भी स्टॉक करते हैं आपको, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं। डिज़ायर है उनको, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि मुझे रिस्क लेने पड़ेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं थोड़े से सैड दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप शायद खुश भी हों और वो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, परेशान ज़रूर हैं लेकिन फिर भी आपको दूर से ही देखते हैं। ऑनलाइन पे आप देखते हैं, जब भी आप आते जाते होगे ऑनलाइन ऑफलाइन तो उनको उस चीज़ की खबर है। अगर आप स्टेटस वगैरह डालते हो तो वहीं से ही वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसा है आपके पर्सन का सोचना यहाँ पे दिख रहा है। और मैं देख लेती हूँ और आपसे दूर जाके और क्या क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, भले ही आपको नहीं बता रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, कुछ सीख रहे हैं इन सब चीज़ों से और अंडरस्टैंडिंग भी उनके अंदर बढ़ रही है। चीज़ों को देखने का नज़रिया जो पहले था अब नहीं है, काफ़ी मैच्योरिटी उनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ों को देखने का नज़रिया भी उन्होंने बदला है, जैसा पहला था अब नहीं है, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में। और आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बात नहीं करना चाहते, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते, पेन भी है उनको, बस वो चीज़ें आपके सामने ना आए इस चीज़ को लेके वो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन कार्ड्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे कार्ड आ रहा है कॉन्शियसनेस का, कहीं ना कहीं मैंने बोला है आपको उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, उनको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एंजली गाइडेंस उनको शायद मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूशन उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप ये समझ सकते हैं कि उनका कॉन्शियस लेवल अब बढ़ रहा है, समझदार बन रहे हैं, पहले जैसे अब वो नहीं है, जैसे वो पहले चीज़ों को देखने का नज़रिया था, ये चीज़ कन्फर्म हो रही है। दूसरे डेक से भी उस तरह के कार्ड आ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपसे उनसे बात नहीं भी हो रही है तो ये टाइम उनका अच्छे से यूज़ हो रहा है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उनके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद ये यूनिवर्स का एक तरीका है, आपको दूर रखा है ताकि वो अवेकन हो सके, वो मैच्योर बन सके, वो चीज़ों को देखना समझे या फिर वो इस रिलेशन का मतलब समझे। काफ़ी लेसन उनको सिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से। तो ऐसा है आपके पार्टनर का, जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है कि दूर रह के आपके जो पार्टनर हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। होप गाइज आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अभी मैं पाइल थ्री वालों के लिए भी रीडिंग कर देती हूँ। ओ सॉरी, पाइल थ्री, जिन्होंने पाइल थ्री ये ब्रेसलेट चूज़ किया था। चलिए देख लेते हैं, आपके जो पर्सन हैं इस वक्त आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल थ्री, जिन्होंने चूज़ किया था, पाइल थ्री वालों के लिए मैं रीडिंग कर लेती हूँ कि आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, तो उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो, उसके लिए ही आज ये रीडिंग होने वाली है। आप प्रे कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो, मतलब प्रे कर लीजिए ताकि आज आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप को कहीं से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि काफ़ी हार्ट ब्रेक में है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में कुछ है, हो सकता है उनकी फैमिली है, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड है, इस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है और अपने आप को कंट्रोल करते हैं, याद आती है, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रीज़न है थर्ड पार्टी। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके बारे में दूर हैं, तो ऐसा नहीं है, दिल में आज भी आप हो। जब भी वो अपने दिल की बात सुनते हैं तो उनको महसूस होता है कि नहीं, आपके साथ ही उनका दिल जुड़ा हुआ है, आपके साथ ही उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बस थर्ड पार्टी की वजह से वो अपने कदम को पीछे कर लेते हैं, या तो उनकी फैमिली नहीं मानती है, या तो फिर आपका पर्सन मैरिड है। तो ये चीज़ है जो आपको नो कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, आपके जो पर्सन हैं वो आपको कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ कप की भी एनर्जी है जो मुझे ये दिखा रही है कि आपको खोने का उनको दुख है, पेन है, और ये चीज़ से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरह के जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर मुझे यही दिखा दे रहा है कि आपका जो लॉस उनको हुआ है वो उस चीज़ से बाहर अभी तक नहीं आए हैं। उनको तकलीफ़ होती है आज भी इस बात के बारे में सोच के कि वो आपसे दूर हैं, वो आपके नहीं हो सकते। ऐसा है, आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों को नए नज़रिए से, नए परसेप्शन से नहीं सोच पा रहे हैं। इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि नहीं, आप उनके नहीं हो सकते हो, या वो आपके नहीं हो सकते हैं। देखिए सी, वैसे ही कार्ड आते जा रहे हैं, इस वक्त अकेले हैं, किसी के साथ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या थर्ड पार्टी के साथ है, तो आंसर है नो। वो रह ज़रूर रहे होंगे, अगर उनकी वाइफ है रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे रहते हुए भी अकेले हैं। अगर वो हस्बैंड हैं किसी के, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अकेले हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हो, और शादीशुदा हैं या उनकी फैमिली नहीं मारी, इस वजह से अपने आप को रोक के भी रखे हैं, ताकि वो किसी और की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और वो खुद अकेले सब कुछ सहन कर रहे हैं, वो आपको भी नहीं बता रहे हैं। उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी खुशियों का ताकि और लोग खुश रह सके, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। और मैं देख लेती हूँ ओशो जैन कार्ड से कि आपके लिए और क्या आ रहा है, कि आपसे दूर जाके आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। टर्निंग इन, डेफिनेटली अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश तो की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए अकेले निकाल रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अकेले रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो उनको एक अच्छी सी मुस्कान, स्माइल उनके चेहरे पे आ जाती है। काफ़ी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनको उनका भी पता है कि आप दोनों के पीछे काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, उनको सुकून मिलता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। गोइंग विद द फ्लो, अभी वो सोचते हैं कि वक्त के साथ ही छोड़ दिया जाए चीज़ों को, तो बेहतर है, जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, इस तरह की वो एनर्जी में है। लेकिन अपने आप को अकेले उन्होंने रखा हुआ है, संभाल के अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड, अभी वो फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी वो कुछ भी खुद से प्रयास नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, लेकिन अपने आप हो, ऐसा आपके पार्टनर का सुनना है। यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे द बर्डन का कार्ड दिख रहा है मुझे कि
उनको बर्डन तो है आपसे दूर जाके, उस चीज़ का उनको रियलाइज़ तो हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है, आपसे दूर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, हार्ट ब्रेक भी है, इमोशनली ड्रेन्ड है, लॉस है, पेन है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको राहत कब मिलती है, जब वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। रीबर्थ होने वाला है उनका, आप थोड़ा सा टाइम और दीजिए, जो हो रहा है उनके अच्छे के लिए हो रहा है, उनको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। इस वक्त आप जहाँ पे भी है पेशेंस रखिए, होपफुल रहिए, जो भी हो रहा है यूनिवर्स और एंजल्स आपके इस रिलेशन को गाइड कर रहे हैं, कहीं से भी आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है रीडिंग पाइल 3 वालों के लिए। होप गाइज आपको रेजोनेट की हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।